देश में राजनीतिक दलों में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा चलने के बीच अब एजुकेशन लोन माफी की बात भी उठने लगी है। इसकी शुरुआत भिलवाड़ा शहर में हुई है। शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री से सभी तरह के एजुकेशन लोन माफ करने की मांग की। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एनएसयूआई ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर भगवान हनुमान के लिए जाति सूचक शब्द कहने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। गुर्जर ने कहा कि जिस तरह किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है, उसी तरह भारत सरकार को भी चाहिए कि वो एजुकेशन लोन भी माफ करे, जिससे कि ऋण के बोझ से दबे हुए नौजवान उभर सके और भविष्य को सुधार सके। यदि प्रधानमंत्री हमारी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। गुर्जर ने यह भी कहा कि हमने राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन दिया है, जिसमें भाजपा नेताओं से भगवान हनुमान को दलित, मुस्लिम और आदिवासी बताने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन नेताओं को जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री से हम ये मांग करते हैं, जिस तरह तीन राज्य में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया है, उसी तरह आप भी पूरे भारत देश के अंदर किसानों के साथ साथ एजुकेशन लोन भी माफ करें, ताकि युवाओं में जो और किसानों में एक राहत मिले